नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर एस के गुप्ता होम्योपैथी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा चर्चा का विषय है रेक्टम से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके बारे में चर्चा करना, और इसमें सबसे पीड़ादायक जो बीमारी है वो है पाइल्स, या जिसको बवासीर हिंदी में कहते हैं, या जिसको अर्स कहा जाता है। तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम आपको एकदम ट्रू सॉल्यूशन हर बीमारी के बारे में बताते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रेक्टम से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा पीड़ादायक जो बीमारी है वो उसको कहते हैं पाइल्स, या जिसको बवासीर या अर्स कहते हैं। दूसरी बीमारी है फिसर, तीसरी बीमारी है फिस्टुला। आज के वीडियो में हम सिर्फ आपको पाइल्स से संबंधित जो नॉलेज है वो अपडेट करेंगे। पाइल्स ये एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी होता है, तो इसमें आपको ये जानकारी होना ज़रूरी है कि पाइल्स होता क्या है। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि पाइल्स या बवासीर जो कि होता क्या है। इसमें जो वेरिकोज वेन्स होती हैं, जो रेक्टल पार्ट होता है, एनल पार्ट होता है, जो सबसे लास्ट पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे लास्ट पार्ट है जिसको रेक्टम कहते हैं, सबसे बाहर का, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बाहर का जो पार्ट है वो वेरिकोज वेन से मिलकर बना होता है। जब कोई भी चीज़ खाने में गलत आ जाती है या किसी भी कारण से ये इसमें स्वेलिंग आ जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उस कंडीशन को पाइल्स कहा जाता है। तो पाइल्स क्या है आप समझ गए होंगे, पाइल्स वेरिकोज वेन का एनलार्जमेंट है और इसका वेरिकोज वेन्स का इन्फ्लेमेशन है। जब ये वेरिकोज वेन्स एनल पार्ट की, रेक्टल पार्ट की फट जाती हैं तो इनमें ब्लीडिंग होती है और फिर इसको हेमराइड्स कहते हैं, या जिसको खूनी बवासीर जिसको कहा जाता है। तो बवासीर के बारे में आप जो जानकारी अपडेट चाहते हैं वो ये है कि पाइल्स जो है दो प्रकार का होता है, सबसे पहला एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। यदि एक्सटर्नल जो सबसे लार्ज जो बाहर का पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का जिसको एनस कहते हैं, उसमें बाहर से यदि आपको लगता है कि वेरिकोज वेन वहाँ पर एनलार्ज हो गई है और वहाँ पर पेन होता है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो गया, वहाँ पर ब्लड आ रहा है, तो ये सिर्फ एक्सटर्नल पाइल्स के अंतर्गत लेंगे। इंटरनल पार्ट में रेक्टम के अंदर का जो वेरिकोज वेन्स हैं वो इन्फ्लेम हो जाती हैं या उनमें पेन होता है, तो इसको फिर इंटरनल पाइल्स कहते हैं। ये बाहर से नहीं देख सकते, इसमें प्रोक्टोस्कोपी या इंटरनल कोई जांच करते हैं तब पता पड़ता है कि इंटरनल पाइल्स है, बाहर से एकदम नॉर्मल दिखता है। तो यदि बाहर से दिखता है तो उसको एक्सटर्नल कहते हैं। एक्सटर्नल पार्ट में जो वेरिकोज वेन होती है उसका साइज बढ़ जाता है और उसमें स्वेलिंग आ जाती है और एक उंगली जैसा या इन्फ्लेमेटरी कुछ उभार सा दिखता है। तो आपको ये जानकारी होना ज़रूरी है कि पाइल्स क्या होता है, फिसर क्या होता है, फिस्टुला क्या होता है। पाइल्स केवल वेरिकोज वेन से इसका मतलब होता है, पाइल्स में वेरिकोज वेन्स इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, उनसे ब्लड आ सकता है, उसमें पेन हो सकता है। फिस्टुला क्या होती है, ड्यू टू द कॉन्स्टिपेशन जिनको कब्ज रहता है उसमें रेक्टम से बाहर की साइड स्किन पर एक ओपनिंग होती है, बोथ साइड ओपनिंग होती है जिसमें इंटरनल से एक्सटर्नल तक स्किन पर होता है। ये रेक्टल पार्ट बाहर की साइड नहीं होगा, ये एनस पर नहीं होगा, ये रेक्टम से स्किन पर वहाँ पर एक पैसेज बन जाता है, एक चैनल बन जाता है जिससे रेक्टम का मटेरियल बाहर की साइड डिस्चार्ज निकलता है। और जो फिशर होता है, फिशर सिर्फ एक स्क्रैच होता है ड्यू टू द कॉन्स्टिपेशन। क्या होता है कि जब हार्ड नॉटी स्टूल आता है तो स्टूल इतना हार्ड होता है कि वह एनल जो रेक्टम होता है उसके इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन को स्क्रैच मार देता है, उससे ब्लीडिंग होने लगती है, वहाँ पर कट लगा देता है। तो फिशर एक सिंपल स्क्रैच है जो कि आगे उसमें मवाद भी पड़ सकती है, पस पड़ सकती है, लेकिन सिंपली पाइल्स वेरिकोज वेन से संबंधित होता है, फिशर एक स्क्रैच होता है और फिस्टुला एक बोथ साइड ओपनिंग होती है रेक्टम से बाहर स्किन पर। तो आप इन तीनों में डिफरेंस सीख लेना, समझ लेना, क्योंकि कई लोग पाइल्स को फिसर समझ लेते हैं, फिसर को फिस्टुला समझ लेते हैं। तो फिसर जो एक स्क्रैच होता है, पाइल्स एक वेरिकोज वेन का इन्फ्लेमेशन होता है, जबकि फिस्टुला बोथ साइड ओपनिंग होती है जिसमें से इसको आप कह सकते हैं कि रेक्टल पार्ट से बाहर स्किन पर
कोई एक चैनल बन जाता है जिसमें से डिस्चार्ज और मटेरियल रेक्टम से बाहर स्किन पर निकलता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हेमरॉइड्स, हेमरॉइड्स का मतलब होता है कि खूनी बवासीर। तो सबसे पहले पाइल्स एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। पाइल्स भी टू टाइप का होता है, एक तो खूनी बवासीर और दूसरा है बादी बवासीर। बादी बवासीर में ब्लड नहीं आता, जबकि हेमरॉइड्स में वेरिकोज वेन फट जाती हैं। सबसे पहला वेरिकोज वेन्स में सिर्फ इन्फ्लामेशन होता है, तो इसको ड्राई या ब्लाइंड बवासीर कहते हैं। ड्राई पाइल्स, ब्लाइंड पाइल्स, इसमें ब्लड नहीं आता। जबकि दूसरा जो खूनी बवासीर है जिसको हेमरॉइड्स कहते हैं, इसमें जो वेरिकोज वेन्स हैं वो फट जाती हैं और उसमें से ब्लड आने लगता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हेमरॉइड्स अलग है, हेमरॉइड्स में ब्लड आता है, जबकि सिंपल जो बादी बवासीर है, ड्राई पाइल्स है या ब्लाइंड पाइल्स है, उसमें ब्लड नहीं आता। तो मैक्सिमम लोगों को इनिशियल स्टेज में सिर्फ बादी का बवासीर होता है। हेमरॉइड्स जब वेरिकोज वेन्स बहुत दिनों तक इन्फ्लाम बनी रहती है तो वो कमज़ोर हो जाती है, वो वीक हो जाती है, तो वहाँ से वो फट जाती है। यदि जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो वो स्टूल करने में थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा सा भी लगाते हैं तो वेरिकोज वेन फट जाती है और वहाँ से ब्लड आने लगता है। तो ये पाइल्स जो है एक बहुत ही पीड़ादायक रोग है। इसको अर्स कहते हैं, अर्स मतलब होता है कांटा। इतना ज़्यादा तेज दर्द होता है कि जैसे कोई कांटा चुभा रहा हो रेक्टल पार्ट में। तो आप समझ गए होंगे कि पाइल्स का जो स्थान है वो कहाँ पर है। पाइल्स मतलब जो रेक्टल का एनल पार्ट है, जो बाहर वाला पार्ट है, वहाँ पर या रेक्टम में इनसाइड भी हो सकता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट ये दो कवर करता है। तो आप ये समझते हो कि मैं आपको एक कॉमनली जानकारी दे दूँ कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 7.5 मीटर की 7.5 मीटर की होती है, जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो 1.5 मीटर की होती है 1.5 मीटर। तो ये हम आपको कॉमन नॉलेज देना चाहते हैं कि आपको ये पता रहे कि 7.5 मीटर की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जबकि लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट जो होता है, जो बाहर की साइड जिससे फीकस निकलता है, तो इसको रेक्टल या इसका जो ओपनिंग पार्ट होता है एनस, उस पार्ट में यदि वेरिकोज वेन्स इन्फ्लाम्ड हो जाती हैं या वहाँ पर पेन होता है तो उसको पाइल्स या बवासीर कहा जाता है। हेमराइड्स और खूनी बवासीर, बादी बवासीर, ये दो प्रकार का हो सकता है। अब इसके कारण के बारे में अपन जानते हैं कि इसके होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है कि डाइट, यदि आपकी डाइट गलत है, जो आपको खाना नहीं खाना चाहिए वो खाना यदि आप खाते हैं, बहुत दिनों तक खाते हैं, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक हो जाता है और वीक होने के कारण आपको जो बादी की चीज़ें हैं, बेसिकली बैगन, भिंडी, अरबी, उड़द की दाल, ये जो ब्रिंजल है, लेडीज फिंगर है, ओरम है और जो काली दाल है, ये बहुत ही ज़्यादा पाइल्स को के लिए उत्तरदायी हैं। तो कृपया इन भोजन में इन चीज़ों को हटा दें। यदि आप ये बहुत अधिक खाते हैं तो कम कर दें, और जिनको पाइल्स की या बवासीर की शिकायत है वो इनको टोटल बंद कर दें, इनको नहीं खाना है। आप कृपया ध्यान से सुन लीजिए, बैगन, भिंडी, अरबी और उड़द की दाल, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, ओरम एंड काली दाल, ब्लैक दाल जो है वो नहीं खाना है। जिनको पाइल्स या बवासीर की, खूनी या बादी, कोई भी प्रकार की बवासीर है, वो इन चार चीज़ों को अपने भोजन से हटा दें। दूसरी चीज़, यदि वो वाइली डाइट लेते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले बहुत खाते हैं, तो कृपया इनको बहुत ही कम कर दें या बंद कर दें। मिर्ची मसाले वाला खाना जिनको पाइल्स या बवासीर हो गई है वो तो बिल्कुल ही बंद कर दें या बहुत ही लो लिमिट में लें। तीसरी चीज़ है स्लीप, यदि जिनको स्लीप डिस्टरबेंस रहता है या इंसोमनिया की शिकायत रहती है, बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, उसके कारण स्लीप डिसऑर्डर आता है, तो स्लीप डिसऑर्डर जब आता है तो उसके कारण डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता और इसके कारण स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। जब ये स्लीप डिसऑर्डर बहुत दिनों तक बना रहता है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन हो जाने के कारण जो एनल पार्ट है उसमें बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है और वहाँ भी वेरिकोज वेन एनलार्ज हो जाती हैं, बाहर निकल आती हैं। तो उंगली जैसा शेप, वेरिकोज वेन्स उंगली जैसे शेप में बाहर को निकलती है, तो इसको मसा भी कहते हैं।
इसको वेरिकोज वेन्स, जब एक पार्ट को उसका एनलार्ज होता है तो इसको कुछ लोग मस्सा भी कहते हैं। मस्सा जो वॉट होता है उस टाइप का नहीं होता है मस्सा, ये वेरिकोज वेन का एनलार्जमेंट होता है। और ये उंगली से आप जब लैट्रिन साफ करते हैं उस समय ये फील होता है कि कोई उंगली नुमा उंगली जैसा उबार बाहर को निकल आया है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको ये पायस बवासीर हो चुकी है। तीसरी चीज़ है कॉन्स्टिपेशन। यदि आपका पेट साफ नहीं होता तो डॉक्टर को दिखाएं और कॉन्स्टिपेशन का इलाज कराएं। यदि आपको अभी पायल्स नहीं है लेकिन कॉन्स्टिपेशन बहुत दिनों तक रहता है तो आपको पायल्स बवासीर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। आपको नेक्स्ट जो कॉज है इसका, वो इसका रिस्पॉन्सिबल कॉज है जंक फूड। आजकल अनहेल्दी डाइट जो बच्चे भी ले रहे हैं बड़े भी ले रहे हैं, तो अनहेल्दी डाइट ना लें। जंक फूड जो बाजार का पैक्ड फूड होता है वो कई दिनों तक रखा हुआ होता है और ये फर्मेंटेड भी हो जाता है और इसमें टेस्टी फूड समझकर बच्चे बहुत खाते हैं इसको, तो इसके कारण उनका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है और उनको पाइल्स की शिकायत हो जाती है। बच्चों को भी, फीमेल्स को, मेल्स को, किसी को भी ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा बेसिक आपको ध्यान रखना है तो बच्चों की डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उनका पूरा लाइफ पड़ा रहता है और उनको यदि ये समस्या हो जाती है तो ये फिर अगर ये नहीं ध्यान रखते हैं तो ये फिर से रिपीट भी हो सकती है। तो इसलिए डाइट का मैनेजमेंट आप प्रॉपरली रखें। कई लोग ऑपरेशन करा लेते हैं तो एक मस्सा निकल जाता है, इसके बाद वो यदि आप डाइट मैनेज नहीं करते हैं तो फिर वो दूसरी जगह से वेन एनलार्जमेंट हो जाता है, तो इस कारण कई जगह से एनलार्जमेंट हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन प्रॉपरली ऑपरेशन भी नहीं है। आप यदि डाइट का ध्यान रखते हैं तो ये होगा ही नहीं, और हो भी गया है तो ठीक हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं, कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में, जो कि ये बहुत ही हद तक आपको इसका इलाज ट्रू सॉल्यूशन है होम्योपैथी, और आप इसको लेकर बहुत ही आपको लाभ होगा। तो सबसे पहले आप जो ब्लीडिंग पाइल्स है, खूनी बवासीर, इसके लिए हम आपको होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवाएं बताते हैं। तो ये दवाएं आप ध्यान से सुन लीजिए, ये दवाएं डरने की बिल्कुल बात नहीं है। यदि आपको ब्लड भी आ रहा है तो वैसे भी ब्लड का एक नेचर होता है कि वो 2 to 5 मिनट में जहाँ भी पंचर हुआ है, जहाँ भी वेरिकोज वेन पंचर हुआ है वो जुड़ जाता है, ब्लड लीक कंटिन्यू नहीं हो सकता। बहुत ही कम रेयर, यदि बहुत ज़्यादा बड़ा पंचर है तो फिर वो कंटिन्यू लीक हो सकता है, बाकी अपने आप वो वहाँ पर पंचर जुड़ जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि ब्लड जो है कभी भी ओपनली नहीं बहता, ये जब तक ये वेन या आर्टरी पंचर नहीं होगी तब तक ब्लड नहीं निकलता है। तो या तो ये फट जाए, तो ड्यू टू द कॉन्स्टिपेशन जब प्रेशर बहुत पड़ता है पॉटी करते समय तो ये जो वेरिकोज वेन्स है वो फट जाती हैं, वो पंचर हो जाती है, तब ब्लड आता है, अन्यथा ब्लड नहीं आ सकता, क्योंकि ब्लड वेन्स के अंदर या आर्टरी के अंदर बहता है। तो आपको मैं नेक्स्ट जो ब्लीडिंग पाइल्स है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ब्लीडिंग पाइल्स की जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो आप समझ लीजिए, सबसे पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो हेमामेलिस। हेमामेलिस एक बहुत ही अच्छी दवा है। हेमामेलिस में किसी भी जगह से ब्लीडिंग हो रही हो, रेक्टल तो ठीक है लेकिन बॉडी के किसी भी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही हो, तो हेमामेलिस एक बहुत ही अच्छा काम करती है। हेमामेलिस का टिंचर ले सकते हैं आप, 2 to 5 ड्रॉप ये पानी में डाल के दिन में 3 टाइम्स ले सकते हैं। हेमामेलिस पोटेंसी में ले सकते हैं, 30 या 200 पोटेंसी दिन में 3 टाइम्स। आप ग्लोब्यूल फॉर्म में भी ले सकते हैं, आप 3 times 6 ग्लोब्यूल ले सकते हैं। ये ब्लीडिंग पाइल्स में बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी मेडिसिन है मिलीफोलियम। ये दवा भी रेक्टल पार्ट या यूटरल पार्ट या कहीं से भी ब्लीडिंग हो रहा है तो वहाँ भी काम करती है, लेकिन रेक्टम के पाइल्स की ब्लीडिंग के लिए भी बहुत अच्छी दवाई है। इसका भी मदर टिंचर आप 5 ड्रॉप दिन में 3 टाइम्स पानी में डाल के ले सकते हैं, हाफ कप ऑफ वाटर में आप ले सकते हैं। इसकी भी 30 या 200 पोटेंसी आप दिन में 3 टाइम्स ले सकते हैं। तीसरी मेडिसिन है ट्रिलियम पेंडुलम। ट्रिलियम पेंडुलम भी एक ब्लीडिंग पाइल्स के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसका भी मदर टिंचर 5 to 10 ड्रॉप दिन में 3 टाइम्स पानी में डाल के हाफ कप वाटर या 1 कप वाटर में आप दिन में 3 टाइम्स ले सकते हैं। इसकी भी 30 या 200 पोटेंसी भी आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है फाइकस रेलिजियोसा। फाइकस रेलिजियोसा का मदर टिंचर ब्लीडिंग पाइल्स में बहुत अच्छा काम करता है, और इसके लिए भी आप
5 to 10 ड्रॉ 3 times या 2 times भी आप ले सकते हैं। ये आपको ब्लीडिंग पाइल्स का ब्लीडिंग चेक करने में, रोकने में बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट मेडिसिन बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन है, इसको कहते हैं कोलिनसोनिया। कोलिनसोनिया सिंपल कॉन्स्टिपेशन में भी देते हैं और ब्लीडिंग पाइल्स या ब्लाइंड पाइल्स दोनों में काम करता है। ब्लीडिंग पाइल्स जिनको ब्लड आता है ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन या किसी भी कारण से उनका पेट साफ नहीं होता है, वो जब पॉटी के लिए जाते हैं तो उनको बहुत प्रेशर लगा जाना पड़ता है और लगाने से उनको जो वेरिकोज वेन है वो रप्चर हो जाती है, फट जाती है, जिससे ब्लीडिंग होती है। तो ये उस ब्लीडिंग पार्ट को जोड़ने के लिए, ब्लीडिंग को बंद करने के लिए कोलिनसोनिया कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करता है, ये बहुत अच्छी दवा है। नेक्स्ट मेडिसिन है नक्सवर्म का, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम का राजा कहा जाता है और ये प्रत्येक बीमारी में महत्वपूर्ण योगदान देती है। लेकिन पाइल्स चूंकि कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड है और कॉन्स्टिपेशन की हेड रेमेडी इसको कहते हैं, तो नक्सवर्म का 30 या 200 पोटेंसी में आप दिन में 3 times या 2 times ले सकते हैं। वैसे ये रात के टाइम खाने के बाद बहुत अच्छा काम करती है, तो आप सिंपली रात को एक डोज भी लेकर आप लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा काम करती है। 30 या 200 में आप नाइट में खाना खाने के बाद बेड टाइम इसको 30 या 200 में रात को एक डोज ले सकते हैं। दिन में 3 times भी ले सकते हैं, यदि आपको कम रिलीफ लग रहा है तो आप 3 times लेकर भी देख सकते हैं। सल्फर एक बहुत ही अच्छी दवा है, ये ब्लीडिंग पाइल्स में तो काम करती है, ब्लाइंड पाइल्स में भी काम करती है और इसका सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम जो है कि पाइल्स में बर्निंग भी बहुत होती है। जब पाइल्स में बर्निंग होती है, पेन होता है, एक्सट्रीम पेन होता है, पैरों में दर्द होता है, हिप ज्वाइंट्स में पेन होता है, तो सल्फर एक बहुत ही अच्छी दवा है। लेकिन इसके लिए आपको स्किन सिम्टम भी इसके देखने होते हैं। यदि आपके सिम्टम स्किन सिम्टम और रेक्टल सिम्टम पाइल सिम्टम यदि मैच करते हैं तो सल्फर बेस्ट मेडिसिन के रूप में काम करती है। फॉस्फोरस ये नेक्स्ट मेडिसिन है। फॉस्फोरस जब आप पॉटी करने के लिए जाते हैं तो हर बार जितने बार आप जाते हैं उतने बार पिचकारी जैसा ब्लड निकलता है और पेशेंट डर जाता है कि इतना ब्लड निकल रहा है मेरी बॉडी का क्या होगा, क्योंकि बॉडी में ब्लड 5.5 liter ही होता है और पिचकारी जैसा जितने बार जाता है उसकी पूरी पॉटी गंदी हो जाती है और उसको वो डरने लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है मैं क्या करूँ। तो फॉस्फोरस इट इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर, ऐसा लगता है जैसे नल खोल दिया हो किसी ने, ऐसा पिचकारी जैसा ब्लड निकलता है। और ये मेडिसिन 30 या 200 पोटेंसी में दिन में 3 times 4 times भी ले सकते हैं आप और बहुत अच्छी ब्लीडिंग पाइल्स के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो आप समझ गए होंगे कि पाइल्स में क्या क्या होता है। पाइल्स में ब्लीडिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, बर्निंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, वो पार्ट हॉट हो सकता है, गर्म हो सकता है, जो रेक्टल पार्ट है वो एकदम गर्म सा लगता है, वहाँ पर मॉइस्चर आ सकता है, वहाँ पर चिपचिपा सा कुछ डिस्चार्ज भी निकलता है, कभी कभी कुछ भी नहीं होता, रेक्टल पार्ट से डिस्चार्ज निकलता रहता है, तो वो भी एक पाइल्स का जो वेरिकोज वेन्स है उससे डिस्चार्ज निकलता रहता है, वो भी चिपचिपा सा परेशान करता है। अब आप चर्चा करते हैं ब्लाइंड पाइल्स या ड्राई पाइल्स, इसमें क्या ब्लड नहीं निकलता। इसकी भी कुछ दवाएं तो सिमिलर ही हैं ब्लीडिंग पाइल्स और ब्लाइंड पाइल्स की, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि नक्सवर्म का ड्यू टू द कॉन्स्टिपेशन इफ पाइल्स इज ऑकर तो सबसे बेस्ट मेडिसिन नक्सवर्म का, सबसे पहले आप रात को एक डोज ले लीजिए, दिन में 3 times भी ले सकते हैं 30 या 200 पोटेंसी में। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर। सल्फर मेडिसिन यदि आपको बर्निंग बहुत ज़्यादा है और स्किन सिम्टम यदि आपके मैच करते हैं तो आप पाइल्स के लिए ये सल्फर बहुत अच्छी दवा है। बर्निंग है, पेन है, स्वेलिंग है रेक्टल पार्ट में, तो सल्फर 30 या 200 पोटेंसी में मॉर्निंग यदि आप लेते हैं सुबह तो ये खाली पेट बहुत अच्छा काम करती है, नुकसान कुछ भी नहीं है। तीसरी मेडिसिन है रतेनिया। रतेनिया एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें ऐसा लगता है कि रेक्टल पार्ट में कांच के टुकड़े भरे हुए हैं, पेशेंट को ऐसा फील होता है जैसे उसका जो हिप बोन है बहुत ज़्यादा पेन करता है, उसके दोनों पैरों में पेन होता है और रेक्टल पार्ट में उसको ऐसा लगता है कि कांच के टुकड़े, पत्थर, ग्रेवल्स ये उसके रेक्टल पार्ट में भरे हुए हैं, उसको ऐसा फील होता है, वो बहुत ज़्यादा पेन होता है।
रतनिया इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर पेशेंट फील लाइक ग्रेवल्स और सैंड और ग्लास इनसाइड ऑफ द रेक्टम लॉस्ट द फील ऑफ फुलनेस मे बी ऑकर। नेक्स्ट मेडिसिन है कोलिनसोनिया। कोलिनसोनिया ये भी ब्लाइंड एंड ब्लीडिंग पाइल्स दोनों में काम करती है और कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बेस्ट मेडिसिन है। तो आप इसको ब्लीडिंग पाइल्स के लिए और ब्लाइंड पाइल्स दोनों के लिए ले सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पेन बर्निंग भी हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन एसिड म्यूर या जिसको म्यूरिक एसिड कहते हैं म्यूरिक एसिडम। इसको 3200 में आप ले सकते हैं। आप ये कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है और साथ में पाइल्स को भी ये बहुत अच्छा रिकवर करती है, बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है एस्कुलस हिप्पोकास्टिनम। एस्कुलस मेडिसिन 30 या 200 या इसका मदर टिंचर 5-5 ड्रॉप दिन में 3 times ले सकते हैं पानी में डाल के। तो ये एस्कुलस में ऐसा लगता है फील ऑफ फुलनेस, रेक्टल पार्ट में ऐसा लगता है जैसे लकड़ियाँ भरी हुई हैं, फील ऑफ फुलनेस इन साइड ऑफ द रेक्टम स्मॉल स्टिक्स। इसको ऐसा लगता है जैसे लकड़ियाँ कोई घुसी हुई हैं रेक्टल पार्ट में और उसको ऐसा फुलनेस फील होता है। उसका जो दिमाग है उसका माइंड है वो रेक्टल पार्ट पे लगा रहता है कि उसको हैवीपन वहाँ पर फील होता है। तो एस्कुलस हिप्पोकास्टिनम 3200 या मदर टिंचर में ये बहुत अच्छा काम करती है। पेन एक्सट्रीम पेन होता है और ब्लाइंड और ड्राई पाइल्स में बहुत अच्छा काम करती है। इग्नेशिया, इसमें इग्नेशिया में जो मेडिसिन है ये बहुत अच्छा काम करती है कि इसको सॉफ्ट स्टूल भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ से निकलता है। सॉफ्ट स्टूल करने में भी, हार्ड स्टूल तो सबको लगता है लेकिन इसको सॉफ्ट स्टूल करने में भी इसमें कंट्राडिक्टी करेक्टर होते हैं। इसके जो है सॉफ्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, हार्ड में तकलीफ कम होती है। कंट्राडिक्शन होता है इस मेडिसिन में, पूरी मेडिसिन में कंट्राडिक्शन भरा हुआ है कि जहाँ जहाँ अपोजिट होता है उसको रिलीफ होता है, सॉफ्ट स्टूल इसको परेशान करता है। तो इग्निशिया एक बेस्ट मेडिसिन है ब्लाइंड पाइल्स के लिए। बहुत ज़्यादा पेन होता है लेकिन सॉफ्ट स्टूल में ज़्यादा पेन होता है करने में, मतलब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट मेडिसिन रस्टॉक्स। जब भी वो पॉटी के लिए जाता है तो उसको ऐसा फील होता है कि उसके जो मस्से हैं वेरिकोज वेंस है वो जितने बार जाता है उतने बार वो बाहर निकल आते हैं। तो कभी कभी इतना ज़्यादा पेन बर्निंग स्वेलिंग वहाँ पर रहती है कि पेशेंट को इतना ज़्यादा दर्द होता है कि पेशेंट घंटों पड़ा रहता है। पेशेंट को जैसे आपने देखा होगा कि रतनिया सल्फर एस्कुलस इन मेडिसिन्स में जो पेन होता है वो लेटरिन के बाद स्टूल करने के बाद घंटों पेन बना रहता है, घंटों पेशेंट बिस्तर पर पड़ा रहता है और उसको इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो चिल्लाता है, दर्द से चिल्लाता है कि वो लेटर स्टूल पार्ट में इतना ज़्यादा घंटों पेन बना रहता है। तो इसके लिए सिजबॉथ भी कर सकते हैं। सिजबॉथ का मतलब होता है गुनगुने पानी में बैठना, तो इससे सिकाई हो जाती है और इससे कई पेशेंटों को रिलीफ होता है। तो सिजबॉथ भी एक बहुत अच्छी, अगर आपको ये मेडिसिन भी रिलीफ दे रही हैं सिजबॉथ भी कर सकते हैं आप। उसमें एक गुनगुने एक बड़ा बर्तन लेके उसमें गुनगुना पानी लेके उसमें बैठ सकते हैं तो आपको उसमें रिलीफ होता है। रतनिया में तो बहुत ज़्यादा रिलीफ होता है इस सिजबॉथ से। तो यदि आपको हमारा वीडियो ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप अपडेट करें और जो भी आपको मेडिसिन या जो डिसीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए हो तो प्लीज़ हमको कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।